लास्ट पीक तक गया था, वहाँ से मैं चलकर नीचे की तरफ, अभी मैं नीचे तरफ आ गया, वो वहाँ पर है हमारी स्कूटी और थोड़ी देर बाद हम चले। सो फ्रेंड, इस पहाड़ के ऊपर आते हुए बहुत ही देखकर बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग घूमने तो आते हैं। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में मस्त होंगे। आज मैं आया हूँ घर से लगभग 14 किलोमीटर और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर आया हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में बहुत सारा गैप हो गया था, अभी फाइनली आज फिर से मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग पेश करूँगा और आई होप आप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी दूर आ चुका हूँ, फ्रेंड के लिए रुका हुआ था कम से कम आधा घंटा, माफी रुका हुआ आया, फिर उसको पिकअप करके फिर मैं आ गया रिसीव करके। अभी फ़िलहाल मैं इस बागान के पास में ही हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्री गार्डन है, क्योंकि हमारी चाय सुबह का पहला ये होता है जिससे हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, क्योंकि चाय पी के, क्योंकि हर इंडियन भारतीय की चाय से ही शुरुआत होती है। तो आज आप लोगों के साथ चाय के बागान से शुरुआत कर रहा हूँ, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखिए। आज वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन और ऐतिहासिक जगह पर जाने वाला हूँ और आप ये वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज हमारा प्लेन सडनली हुआ और आज हम जा रहे हैं हमारे यहाँ के बहुत ही खूबसूरत एक वैली गाबोरू पर्वत पर, और वहाँ जाते हुए रास्ते का व्यू बहुत ही मनमोहक और दर्शनीय था, और वो देखते हुए हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी गाबोरू पर्वत पर पहुँच गए। और सो फ्रेंड, अभी मैं डिटेल्स में आपको बता दूँ, ये लोकेशन है या गाभोरू पर्वत या यहाँ के जो मान्यता है या यहाँ के जो फैक्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये है हमारे असम के जोरहाट ज़िले के मोरेनी समष्टि में गिरता है गाभोरू पर्वत, और यहाँ 28 हिल्स है और इस हिल्स के लिए इस जगह का नाम है 28 हिल। और अभी 28 हिल के बारे में और क्या मुझे यहाँ जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत नेचर है, आप देखिए चारों तरफ हरियाली, चाय के पहाड़ है, ऊँचे ऊँचे टीला है, इसे बोलते हैं, ये सब एक एक हिल है और इसी सब के साथ 28 हिल होते हैं, 28 थे ऐसे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर ही ये चाय पत्ती के खेत वगैरह बगान लगा रखे, जो टी बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। और आप इसी ब्लॉग में बने रहे, और भी बहुत सारी और सबसे ऊँचे वाले टीले में भी जाने वाले हैं, मतलब टीला मतलब वही हिल्स 28 हिल जो सबसे ऊँचा वाला है, वहाँ भी ऊपर की तरफ आएंगे। अभी तो जस्ट मैं नीचे हूँ और ऊपर में जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ का व्यू, यहाँ बहुत ही सुंदर था, आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। और ऐसे तो जनवरी में और दिसंबर के लास्ट में यहाँ बहुत सी पिकनिक वगैरह, अभी पूरा भीड़ भाड़ हो रहता है, अभी तो शायद सुनसान इलाका है, अभी कोई पिकनिक वगैरह का टाइम नहीं, इसलिए अभी खाली रहता है एनी टाइम। और अभी यहाँ के लोकल आदमी हैं जो खेत वगैरह बागान वगैरह संभालते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद आपको और कुछ दिखाते हैं। और हमने इस वैली की सबसे हाईएस्ट पीक पर जाने के लिए अपना ट्रैक शुरू कर लिया। अभी मैं काफ़ी ऊपर तक आ पहुंचा हूँ, और भी ऊपर जाना है, मेरा दोस्त वो रहा, वो वहाँ पर है, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर है, मैं उससे काफ़ी हाइट पे आ रहा हूँ। और वहाँ से वो वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी है, वहाँ से लेके यहाँ तक अभी पहुँचा, अभी भी रास्ता बहुत ही लंबा है, एकदम ऊपर की ओर, इधर एकदम ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी है, आप कितने देखो कितने दूर तक जाओ, यहाँ तक तो उठते हुए काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी, सांस फूलने लगी, काफ़ी दिनों से हाइट पर चढ़ा नहीं हूँ ना, और आगे भी इतना मतलब हाइट पे, वैसे तो गया था लास्ट टाइम केदारनाथ गया था 2022 पे, और 22 पे केदारनाथ की वही थी सबसे मेरी खड़ी चढ़ाई, उसके बाद से मैंने कोई मतलब पहाड़ के रास्ते में कोई ट्रैक नहीं किया था। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ट्रैक करा, तो सांस अभी जो मैं देख रहे हैं सांस काफ़ी फूल रही है, और चलिए कोई बात नहीं,
थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा अपना भी, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग भी देखिए सुंदर नेचर को। हमारे आसाम में ही है, आप कभी भी अगर आए तो यहाँ विजिट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, चारों तरफ एकदम शांति, पक्षियों की आवाज़ आ रही है वगैरह, एकदम आप सुन सके। कैमरा पे ये आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे रियल में मतलब लाइव बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। खाली पक्षी कोई आदमी का नहीं है, फिर यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा फ्रेंड है और दो तीन यहाँ के कर्मचारी है जो यहाँ पर बागान वगैरह देख रेख करते, बस वही आदमी है। तो चलिए फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो फैन, इस पहाड़ के ऊपर आते हुए बहुत ही देखकर बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग घूमने तो आते वगैरह अपना एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लेकिन ये वगैरह देखिए कूड़ा वगैरह, चिप्स वगैरह, आप ये सब देखिए चिप्स वगैरह, क्या क्या भुजिया वुजिया के पैकेट, ये सब बोतल वोतल जहाँ तहाँ फेंक कर ये पहाड़ गंदा करते हैं। आप लोग से कृपया अनुरोध है, आप जब कभी भी यहाँ पर या पहाड़ किसी भी जगह में घूमने जाए, नेचर को ख़राब मत करिए। पहाड़ बहुत ही सुंदरता है, आप कहीं भी सामान गंदगी ना फैलाए, अपने अपने एक प्लास्टिक में या किसी पर आप अपना सामान कूड़ा वगैरह लेके आए या करें वगैरह, आप साथ पर ही लेके जाए किसी डस्टबिन वगैरह में फेंक के। तो इससे आप लोग, इससे मेरे से अनुरोध है, कभी भी आप पहाड़ों पर या किसी भी जगह पर आप जाए टूरिस्ट प्लेस या कोई भी जगह पर घूमने, कृपया गंदा ना फैलाए, अपने सुविधा के लिए किसी और को आप नुकसान ना करें, यही आपसे अनुरोध है। सो अभी मैं ये सारा कूड़ा वगैरह इस कैरी बैग में भराऊँ, जो कैरी बैग में अंदर डालूंगा और डाल के जाते समय अपने स्कूटी में ये कैरी बैग किसी डस्टबिन में फेंक दूंगा। तो ये कूड़ा वगैरह अभी इस कैरी बैग में डाल लेता हूँ, उसके बाद जाते समय ले जाऊंगा, क्योंकि किसी और के नाते मैं ही सफा कर दूँ, क्या पता और कोई भी आके ऐसे कर दे, धीरे धीरे आदमी की सोच बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और फाइनली हम इस गाभोरू पर्वत के सबसे हाईएस्ट पीक पर आ पहुंचे। एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था, वहां पर आप लोगों को व्यू दिखाया, अभी फिर ऊपर से इस वैली का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। और यही गाभोरू पर्वत या अट्ठाईस हिल के बारे में हमने यहां के लोकल लोगों से कुछ बातें जानी, आइए उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। इसी बीच इस अट्ठाईस हिल या गाभोरू पर्वत पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसी समय हमने बहुत से खूबसूरत से वीडियोस कैप्चर किए, आइए उन वीडियोस का आप एंजॉय करें। सो फैन, उस लास्ट पीक से चलकर हम नीचे की ओर आ पहुँचे, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, यानी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, वहाँ पर फाइनली अभी आके पहुँच गए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे या ब्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ब्यूटीफुल से कमेंट करिएगा। कमेंट के जरिए बताइएगा जो कैसा ब्लॉग मेरा लगा या कैसा नहीं, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। हर हर महादेव।